आप सभी को सबसे पहले मेरा जोहार। हम अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन टीको से आए हैं। तो जैसा कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो आज हम सब पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आपके गांव टीको यहां आए हैं। और पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं आज से अगर 10 साल पहले जो ज़मीन का वाटर लेवल था, ज़मीन के नीचे से हम लोग को चापाकल या कुआं खोदना होता था, तो बहुत थोड़ा सा खोदने पर ही कुआं तो 10 फीट 15 फीट होता था, तो पानी इतना होता था कि सालों भर नहीं सूखता था। और आज हम लोग देखते हैं जो पुराना कुआं जो 10 साल 15 साल में कभी नहीं सूखा था, अब वो सब सूखने लगा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है ना कि जो वाटर लेवल है वो नीचे जाते जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो पेड़ों की कटाई हो रही बहुत ज़्यादा, शहर बनने के क्रम में शहरीकरण के नाम पे रास्ता बनने के क्रम में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है, शहर में पक्के मकान पक्के रास्ते बनते जा रहे हैं, जिससे जो जल का जो संचयन नहीं हो पा रहा है, पानी आता है बहता है और सब नाला के साथ बहकर नदी के साथ चला जाता है बाहर, तो पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आज हम लोग आपके गाँव में आएँ और आपके गाँव में जगह जगह जहाँ से चापाकल कुआँ जहाँ से यहाँ पर भी हम लोग गड्ढा खोदे हैं, जिससे कि जो पानी वेस्ट निकलेगा सारा वो एक गड्ढा में जाके जमा होगा, जिसके कारण जो पानी है वो बहेगा नहीं, वो नीचे जाएगा, जिससे जल स्तर ऊपर आएगा। जल स्तर नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग का पानी जो है नीचे जा ही नहीं पा रहा है, पानी बह के कहीं और चला जाता है। इसी कारण हम लोग जागरूकता अभियान अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा ये चलाया गया है। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि आप लोग भी बताएं लोगों को कि अपने घर में सोखता गड्ढा, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सोखता गड्ढा अपने घर के आसपास, अपने चापाकल कुएं के आसपास जरूर खोदें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।